नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू 22 टुडे। बीटेट अभ्यर्थी का धरना का आज 15वां दिन है। लगातार संघर्ष जारी है। जिस तरह पिछले दिन शिक्षा मंत्री के खिलाफ शव यात्रा निकाला गया था, आप लोग हम उसका लाइव कवरेज भी दिखाए थे, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। मानसून सत्र भी चल रहा है, आज मानसून सत्र का दूसरा दिन भी था। हो हंगामा करने के बाद मानसून सत्र खत्म हो गया, लेकिन क्या विधानसभा में सवाल उठाया गया है कि नहीं उठाया गया है, चलिए बात करते हैं। आज मानसून सत्र का भी समय खत्म हो गया, आज मानसून सत्र दूसरा दिन था, क्या विधानसभा में सवाल उठाया गया है? विधानसभा में हम लोग का प्रश्न कल ही उठाया गया मधेपुरा के माननीय विधायक के द्वारा। मुद्दा हम लोग का वहाँ उठा था, लेकिन वही फिर शिक्षा मंत्री का फिर वही बयान आया कि हम लोग के पास पर्याप्त विद्यार्थी हैं। तो उनके बाद फिर जैसा कि सभी को पता है मानसून सत्र कल पूरा नहीं चल पाया, तो यहीं के बाद मानसून सत्र रुका था। फिर आगे की प्रक्रिया जो भी है, हाईकोर्ट का जजमेंट, NCT, RTA, सारा डॉक्यूमेंट उनको दिए हैं, फिर वहाँ प्रश्न हुआ होगा, लेकिन वहाँ से अभी तक अपडेट मेरे पास अभी कुछ नहीं। जब बोल रहे हैं कि मेरे पास पर्याप्त विद्यार्थी है, तो छठे चरण में कहाँ चले गए थे? तो वही तो हम उनसे महोदय से बार बार पूछ रहे हैं, अगर आपके पास पर्याप्त विद्यार्थी हैं तो छठे चरण में आपके पास 50,000 सीटें रिक्त कहाँ से रह गई? इन्हीं का जवाब वो लोग दे ले, उनका इसका भी जवाब नहीं मिल रहा है। अब आप NEP 2020 लागू कर रहे हैं, क्षेत्रीय भाषा को महत्व दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप कह रहे हैं कि मेरे पास टेट और सीटेट पास विद्यार्थी हैं। तो 2017 में आपने टेट लिया था, बिहार टेट, तो आपके पास अभ्यर्थी है कहाँ? आप सीटेट की बात कर रहे हैं, तो आप 1 से 5 तक का टीचर हम लोग को बनाने जा रहे हैं, और 5 क्लास तक बिहार बोर्ड के सिलेबस में इंग्लिश है ही नहीं, तो फिर क्यों हम सीटेट पास करके वहाँ जाए? तो उठता है, लोग बहुत सारे सवाल कर रहे हैं कि इंग्लिश भाषा, तो पहले बिहार सरकार सुधार लेना चाहिए कि 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षा में इंग्लिश कंपलसरी लागू करे, उसके बाद कोई सवाल अगर करते हैं तब अच्छा लगता है। जब 1 से 5वीं तक आपने इंग्लिश पढ़ाने का प्रावधान ही रखा, तो फिर सीटेट का सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, तो द्वितीय जैसे 1 से 5 तक में आप इंग्लिश चलाते ही नहीं हैं, तो फिर महोदय से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंग्लिश आप पढ़ाते ही नहीं, तो फिर सीटेट के सब्जेक्ट, सीटेट का दूसरा पेपर जो इंग्लिश है, उस बेस पे बहाली आप किस आधार पर करने जा रहे हैं? आप बिहार टेट लीजिए, उसमें हमारी क्षेत्रीय भाषा मैथिली मगही। तो सरकार सुधार ले कि 1 से 5वीं तक ले जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश पढ़ना कंपलसरी है, सब्जेक्ट लागू कर दे। हाँ, वो लागू कर दे तो अलग बात है, वो लागू करेंगे उसके बाद सीटेट पे लोग जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी जो प्रक्रिया चल रही है 1 से 5 तक में इंग्लिश आप पढ़ाते नहीं है, तो उस आधार पर तो आपका दायित्व ये बनता है कि बीटेट को आपको हर हाल में लेना ही होगा, क्योंकि हाईकोर्ट का जजमेंट भी आज दूसरे चैनल के माध्यम से हम लोगों को दिखाए हैं। 2016 में जो हाईकोर्ट का जजमेंट आया था कि प्रत्येक ईयर बिहार टेट का एग्जाम लेना आवश्यक है, तो फिर महोदय ले क्यों नहीं रहे हैं? बस अपने जिम्मेवारी केंद्र सरकार के भरोसे थोप कर किस लिए बैठे हुए हैं? आगे क्या सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, आगे क्या कीजिएगा? सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, हाईकोर्ट का आदेश है कि प्रत्येक ईयर आपको लेना है, फिर हाईकोर्ट जाएंगे, और हाईकोर्ट से अगर बात नहीं मानेंगे, हाईकोर्ट का तो भी बात नहीं मान रहा है सरकार, जब बात मानता तो फिर बीटेट एग्जाम लेते, हाईकोर्ट की बात नहीं मान रहे तो हम लोग आगे सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी हाल में 7वां तन से पहले बीटेट करवा के रहेंगे। कैसे, समय तो कम है सर, जैसे हाईकोर्ट जाएंगे वहाँ पे नहीं होता तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे तो सर जो हमारी बात जो है ज़रूर सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, और हम लोग इसे जो करवा के रहेंगे, क्योंकि हम लोग का जो मांग है वो हम लोग का संवैधानिक है और प्लस सही है, क्योंकि हर राज्य जो है बीटेट लेती है बहाली से पहले, और अब बताइए बिहार में जब बहाली निकालने जा रहे हैं तो बिहार के निवासी जब उसमें एग्ज़ाम नहीं देंगे तो फिर बिहार में बहाली करने से क्या फ़ायदा होगा? फिर हम लोगों के साथ अन्याय होगा ना। अब मान लीजिए अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक हमारी बात मान नहीं लेती है सरकार तब तक चलेगा। तो 15 दिन बीत गया, 15 दिन बीत गए, कल हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किए, इसके बाद इसे भी नहीं सुनेंगे तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। चलिए, इसे अगर नहीं सुनेंगे तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। संघर्ष जारी है और धरना का 15वां दिन है, देखते हैं कि आगे भी इनका सवाल सत्र में उठाया जाता है कि नहीं। फिलहाल खबर में इतना ही, ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहिए न्यू 22 टुडे के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।